भगवान सिंह राठौर और आप देख रहे हैं एनडीसी न्यूज। आज हमारी टीम पहुंची जिला आगरा उत्तर प्रदेश में, जहां संत रामपाल जी महाराज जी का भव्य सत्संग समारोह हो रहा है। दोस्तों, कबीर जी की एक वाणी है, सत्संग की आधी घड़ी, तप के वर्ष हजार को भी बराबर है नहीं, कहे कबीर विचार। आज हम सूरमाओं की बस्ती में आपको लेकर चलते हैं, जहां जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने एक ऐसा सत्संग, ऐसा समारोह किया है, जहां पर एक शादी भी हुई है, जहां पर किसी भी प्रकार का कोई दहेज नहीं लिया गया। आज हम यहां आए हुए हैं सूरमाओं की बस्ती में। आके सूरमा क्यों कहा जाता, कबीर जी ने कहा है, कबीर मार्ग कठिन है, कबीर मार्ग कठिन है, कायर का नहीं काम, इस पर चले कोई सूरमा सो आठ पैर संग्राम। हम आपको लाइव दिखा रहे हैं, आप देख सकते हो बहुत भारी संख्या में लोग आए हुए हैं, बहुत भीड़ है इसके अंदर। यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग संपन्न हुआ है, यहाँ एक शादी भी संपन्न हुई है। हम अंदर ले चलते हैं, अंदर का नजारा दिखाते हैं, आखिर है क्या। यहाँ आप देख सकते हो नैतिकता का उन्मूलन करते हुए, नैतिकता का पालन करते हुए संत रामपाल जी महाराज जी का सेवा को संभाल रखा है। हम आपको दूसरी तरफ दिखाते हैं, दूसरी तरफ माता बहनें खड़ी हुई हैं और सेवा को देख रही हैं। यहाँ बहुत भारी संख्या में भीड़ है, हम आपको अंदर का नजारा भी दिखाएंगे, जहाँ संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग समारोह संपन्न हुआ है। आखिर यह कैसे और क्यों भीड़ लगी हुई है, हम आपको दिखाते हैं यहाँ का नजारा, यह किस प्रकार से क्यों भीड़ लगी हुई है। यह फ्लैक्स स्टॉल है, यह फ्लैक्स स्टॉल है, यहाँ लोग संत रामपाल जी महाराज जी से संबंधित फ्लैक्स ले रहे हैं, बहुत भारी संख्या में लोग आए हुए हैं। यह आप देख सकते हो इन्होंने किस प्रकार से फ्लैक्स स्टॉल को सजा रखा है, नाना प्रकार के फ्लैक्स मौजूद है, तस्वीरें मौजूद है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग शास्त्र प्रमाणित होते हुए, शास्त्र अनुकूल होते हुए संत रामपाल जी महाराज जी का एक ही नारा, दहेज मुक्त होगा भारत हमारा। बाप रे इतनी भीड़, आप देख सकते हो किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी कन्वे यहाँ लगे हुए हैं, जैसा कि एनडीसी न्यूज आज मैदान में उतरा हुआ है, आपको लाभ दिखा रहा है। आप देख सकते हो यहाँ माता बहनों ने जल राम की यानी जल की व्यवस्था को संभाल रखा है, यहाँ बहुत भारी संख्या में लोग आए हुए हैं। इधर बढ़ते सूरज और बढ़ती गर्मी की भी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने की पानी की व्यवस्था। अब हम प्रणाम स्थल की तरफ हैं, मन नेकी कर ले, मन नेकी कर ले, दो दिन का मेहमान यहाँ लोग आए हुए हैं। आप देख सकते हो, हम जानना चाहेंगे आखिर यहाँ किस प्रकार से सत्संग संपन्न हुआ है और ये भीड़ क्यों आई हुई है। बहुत भारी संख्या में लोग एकत्र थे, आप देख सकते हो यहाँ आज एक शादी को महत्व देते हुए, जिसमें किसी भी प्रकार का ना कोई दहेज लिया गया है ना दहेज दिया गया है। हम जानकारी करेंगे किसी ऐसे शख्स से जो बता सके कि संत रामपाल जी महाराज जी का कोई भी अनुयायी किसी भी प्रकार का कोई दहेज लेते हैं या नहीं। यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने प्रणाम स्थल बना रखा है। कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी का कोई भी फॉलोवर्स यहाँ आता है तो सबसे पहले अपने गुरु को दंडवत प्रणाम यानी नमन करता है। संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोवर्स से जानना चाहेंगे कि आज यहाँ क्या हुआ है। नमस्कार सर, जी आज यहाँ क्या हुआ है। जी आज यहाँ पर सत्संग हुआ है जी, संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में। अभी आप यंग हो, युवा हो, तो आपकी क्या सत्संग सुनने की उम्र है, फिर ऐसा क्यों। जी हाँ बिल्कुल, हमारी सत्संग सुनने की उम्र है, बचपन से ही हमको ये नहीं सिखाया गया कि हमें ये मानव जीवन क्यों मिला है, हमें सिर्फ पैसे कमाने की लाइन में लगा दिया गया। अब एक व्यक्ति आज चाहे वो रिक्शे चलाने वाला हो, चाहे एक प्रोफेसर भी हो, तो बेचारा दोनों ही का उद्देश्य होता है पेट भरना, जो कि हमारे मानव जीवन का उद्देश्य नहीं है। श्रीमद् भागवत गीता में बताया है कि हमारे मानव जीवन का उद्देश्य होता है कि अपने मोक्ष प्राप्त करना शास्त्रों के अनुसार, और शास्त्रों के अनुसार मोक्ष प्राप्त करके अपने उस शाश्वत स्थान पर जाना, जहाँ जाने के बाद साधक की जन्म मृत्यु खत्म हो जाती है। मेन टॉपिक है कि साधक की जन्म मृत्यु समाप्त हो जाती है, आखिर साधक की जन्म मृत्यु कैसे समाप्त होती है, जानते अगली रिपोर्ट में। बहन साधक की जन्म एवं मृत्यु कैसे समाप्त हो सकती है। सभी जन्म मृत्यु इस तरीके से समाप्त हो सकती है, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज आज पूर्ण परमात्मा कवि साहेब जी के अवतार में धरती पर आए हुए हैं, इनके द्वारा बताई गई भक्ति को अगर हम नियम अनुसार करते हैं, मर्यादा में रहकर करते हैं, तो हमें ये मुक्ति से मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, हम सब लोग को जा पहुँचेंगे। संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा शास्त्रोक्त भक्ति से होती है मुक्ति, इसी प्रकार लेटेस्ट न्यूज जानने के लिए बने रहिए हमारे एनडीसी न्यूज पर।